हे गाइस, सो आज कुछ नया स्टफ लाया हूँ मैं अपने चैनल पे। आज मैंने बनाई एक अनबॉक्सिंग वीडियो एंड एक बेसिक रिव्यू वीडियो अपने नए कीबोर्ड की, कैसियो CTX 9000 IN। मेरी पहली वीडियो है जो मैं अनबॉक्सिंग एंड बेसिक रिव्यू की बना रहा हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट की। आगे भी मैं अपने गिटार्स, जो भी गिटार हैं, इलेक्ट्रिक गिटार, अकूस्टिक गिटार, यूकेलेले, कहोन की बेसिक रिव्यू वीडियोस बनाऊंगा। तो ये पहली है, तो ये नया कीबोर्ड मैंने कल ही लिया है, CTX 9000 IN। तो पूरी वीडियो देखना एंड लाइक सब्सक्राइब। ये है हमारा मेन बॉक्स, इसको द पावरफुल इंडियन अरेंजर भी कहते हैं। ये CTX 9000 IN साउंड सोर्स, इसमें AIX का मिलता है हमको। 39 इंडियन रिदम्स जो बिल्कुल नया आया है इसमें, टोटल 250 रिदम्स हैं। 43 इंडियन टोन्स, टोटल 800 टोन्स हैं इसमें। एंड अब हमको इसमें मिलता है वेव ऑडियो प्लेबैक, 17 स्ट्रॉन्ग स्टैक सिक्वेंसर, सस्टेन एक्सप्रेशन पेडल अलग से। और इसमें जो मेन बात है कि रजिस्ट्रेशन सब 8 सेट्स इनटू 16 बैंक्स का है, जो कि नॉर्मली अभी किसी कीबोर्ड में इस प्राइस में नहीं है। एंड जो हमारे दो मेन स्पीकर्स हैं, 15 वाट प्लस 15 वाट एम्पलीफायर हैं। टोन एडिटर है, 64 नोट पॉलीफोनी, मिक्सर फंक्शन मिल जाता है, बेस ट्रेबल एवरीथिंग, एंड 4 रिदम वेरिएशंस भी हैं, एंड अडाप्टर इंक्लूडेड है इसमें। जो मेन चीज़ है, इसकी स्पीकर्स बहुत हैवी एंड पावरफुल है। ये है हमारे बॉक्स का बैक साइड, अब इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। 42 चैनल का मिक्सर है इसमें। जो टोन एडिटर हैं उसमें इन्हांस डिजिटल इफेक्ट्स, रिवर्ब है, 32 टाइप्स ऑफ रिवर्ब, 16 कोरस टाइप्स, डिले हैं 20 टाइप्स के। इस और मेन चीज़ इससे है कि आप इससे अपना सारा रिकॉर्डिंग, मिडी का काम, जो भी आप म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए कहते हैं अरेंजमेंट, वो कर सकते हैं। बाकी अब मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स, आइए। अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स। पहले फोम हटा देंगे हम, फोम रख देंगे, फोम हटा देंगे, दोनों फोम हट गए। अब खोल लिया है, अब इसमें से हमने अडाप्टर निकाल लिया है, ये हमारा AC अडाप्टर, इसको अभी रख देंगे हम। एंड इसमें हमारा ये है नोटेशन स्टैंड के साथ हमारा मैनुअल, तो इसको हम अभी रख देंगे साइड में। एंड अब मेन हम निकालते हैं अपना कीबोर्ड। तो अब हम निकालें अपना कीबोर्ड, काफ़ी केयरफुली हैंडल करेंगे हम इसे। फाइनली इसको हम अनकवर करते हैं। ये रहा हमारा सुंदर सा कीबोर्ड, ये CTX 9000। है ना सुंदर। अब मैं अडाप्टर लगा के बाकी रिव्यूज़ देता हूँ इसके। अब हमने कर दिया है कनेक्ट, अब ये रेड बटन से ऑन, हेयर इट इज, यस। तो मैं ये बता दूँ आप सबको जो वीडियो देख रहे हैं, तो जो CTX 9000 निकाला है कैसियो ने, ये इस प्राइस में जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है इसका, ये बेस्ट कीबोर्ड है। लाइक सीरियसली, ये मतलब क्योंकि इसमें आपको इतने फंक्शंस मिल जाते हैं, मैं अभी थोड़ा रिव्यू दूंगा इसका, क्योंकि इस प्राइस में अगर आप यामाहा के इसके ट्रिपल प्राइसेस में आपको इतने फंक्शंस मिलते हैं। कैसियो बिगनर्स हूँ मैं खुद, एंड जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। ऑल दो ये काफ़ी पहले आ चुका था, बट अभी भी मार्केट में इससे बेटर प्रोडक्ट अभी नहीं आया, तो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। आप अपना मिडी का काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए अगर आपको सीखना है, बेसिक हैंड कोऑर्डिनेशन सीखना है, उसके लिए बेस्ट है। नॉर्मल ड्रम सेट्स बजाने, इस पर कोई भी काइंड ऑफ म्यूज़िक निकालना है इसमें से, बेस्ट है। ये रहे हमारे 15 वाट के दो स्पीकर्स, वेरी पावरफुल स्पीकर्स। आगे अब मैं इनके बटन्स जो हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा पिच मॉड्यूलेटर, एंड ये हमारा विब्राटो देने के लिए। ये हमारा वॉल्यूम नॉब, एंड अब यहाँ पे हमको मिल जाते हैं टोन्स, जो 800 टोन्स हैं। तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं ए और बी। तो यहाँ पे पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो, ऑर्गन, अकॉर्डियन, गिटार, बेस, स्ट्रिंग्स, रीड, पाइप, एंड इंडियन सिंथ, कॉयर,
तो जो इंडियन टोन से कुछ नए टोन से वो मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। एंड रिदम्स जो हैं, रिदम्स के लिए हमारे पास सारे ऑप्शन है, पॉप, रॉक, जैज एंड वॉल्यूम नॉब। ये हमारा रिदम को कंट्रोल करता है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन को स्टॉप कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। देन यहाँ से हमारा मेन रिदम ऑन होता है। यहाँ पे मेनली रिदम्स में वेरिएशन डालने के लिए, ये इंट्रो है रिदम की, ये कोई वेरिएशन को रिपीट करने के लिए, ये फीलिंग्स हैं एंड ये रिवाइंड, ये फॉरवर्ड, एंड इससे एंड भी कर सकते हो आप अपना जो भी रिदम आप लगाते हो। अब ये हमारा मेन डिस्प्ले, सुंदर सा डिस्प्ले है इसका। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बटन है, टोन, रिदम, सॉन्ग बैंक भी है इसमें अपने, एक कोई मैं सॉन्ग सुना देता हूँ इसमें जो भी है पहला, तो इसको हम प्ले करेंगे। साउंड सुनिए आप, आपने साउंड सुना, तो ये साउंड अभी मैक्सिमम भी नहीं है, उससे कम है, तो इतनी आवाज़ है। तो ये साउंड बैंक है इसमें, हम आप कुछ भी अपना प्लेइंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ए 8 sets × 16 आपके रजिस्ट्रेशन बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोन चेंजिंग एवरीथिंग इसमें डायल है हमारा, ये हमारा कीपैड, यहाँ फंक्शंस हैं, इसके अंदर आप मिक्सर लगा सकते हैं, मिक्सर से आप ट्रेबल, बेस, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल, एंड मिडी का भी काम ही करता है। देन एक और चीज़ अब जो मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें, जो ये इसकी टच सेंसिटिविटी, अभी मैंने धीरे करा, अब देखिए। सो अब जितना धीरे बजाएंगे उतना धीरे बजाएगा, जब तेज़ बजाएंगे तो तेज़ बजाएगा। इस चीज़ को कंट्रोल करता है ये बटन, टच ऑन ऑफ, अगर ऑन कर देंगे तो ये ऐसे रहेगा, अगर ऑफ कर देंगे तो नॉर्मली बजेगा। देन टैप, टेम्पो, मेट्रोनोम आप कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज द ऑक्टेव ऑल्सो, अगर आप इस यहाँ पे यहाँ का ऑक्टेव चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा इससे। देन आप स्प्लिट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को, स्प्लिटिंग है कि अगर आप सेम एक ही कीबोर्ड में दो टोन्स, एक लेफ्ट राइट में टोन, एक दूसरा टोन यूज़ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं इससे। एंड ऑटो, जो ये बटन है ऑटो हार्मनी एंड ऑटो आरपेजिएटर, ये बहुत अच्छा है। जो हम गिटार, अगर जो गिटारिस्ट हैं वो समझते हैं कि आरपेजिए जो हम बजाते हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली बजेगी जो आप बजाओगे, इसमें ऑटो हार्मोनाइज़र भी है। ये सब है इसमें, आप टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हो, जिनको कुछ कॉर्ड्स बजाने में दिक्कत है, केपो का काम करता है ये जैसे गिटार में। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे टच रिस्पॉन्स, मिडी, एवरीथिंग। अब एक बार मैं इसके पीछे जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो दिखाना चाहूँगा। हमारा बैक साइड यहाँ पे लगता है हमारा एसी केबल। देन ये है हमारा पेडल के लिए, जो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन पेडल। ये पेडल वन, पेडल टू, दो पेडल आप लगा सकते हैं। ये है ऑडियो इन के लिए, यहाँ पे आप फ़ोन या हेडफोन जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और मेन चीज़ जो इसमें एक खासियत है इसकी, आप इसमें अपना खुद माइक लगा सकते हैं। माइक के लिए कंट्रोलर है वॉल्यूम, एंड माइक यहाँ का पिन लगेगा, माइक का जैक, माइक का खुद का सेटिंग्स है सारा, बेस, ट्रेबल, इक्वलाइजर पूरा है माइक की सेटिंग्स। आपके साथ कोरस होगा इसमें, आप जो गाएंगे उसके साथ कोरस होगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन इनपुट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, एज ए स्पीकर यूज़ हो सकता है, एंड ये लाइन आउट एंड लेफ्ट एंड राइट लाइन आउट किसी भी एम्पलीफायर में लगाने के लिए, गिटार एम्पलीफायर, कीबोर्ड एम्पलीफायर। देन यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है यूएसबी का, पेन ड्राइव्स, यूएसबी सारी लग जाएंगी, एंड दूसरा यूएसबी के स्लॉट्स। ओके, सो इसकी जो मेनली खासियत है वो मैं कुछ आपको सुनाना चाहूँगा, जैसे जो इंडियन टोन्स जो इसमें नया है, जो बेसिकली हमें इतने इस प्राइस के कीबोर्ड में नहीं मिलता है, वो है। अब मैं आपको टोन में इंडियन पुट किया, ये हम सितार सुनाता हूँ मैं एक, सी द साउंड। अब कोई एक टोन इंडियन लगाता हूँ मैं, से भंगड़ा, एंड हम आपके पास आगे भंगड़ा, दादरा, जो जो भी गरबा इसकी, देखिए। कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी आपको किसी भी ओकेशन के लिए आपको म्यूज़िक एक कुछ रिकॉर्ड करना है अपना, कुछ कहीं भी परफॉर्म करना है, कुछ भी, ये बेस्ट कीबोर्ड है। अब इसके प्राइस के लिए बेस्ट है, एंड इसकी टच सेंसिटिविटी बहुत प्यारी है। गाइस, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा ये अनबॉक्सिंग एंड बेसिक रिव्यू वीडियो ऑफ CTX 9000 कैसियो। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो,
मेरा मेन कंटेंट तो आप जानते हो, कवर्स, ओरिजिनल्स, गिटार लेसन्स। तो मैं बिल्कुल अगली वीडियो के साथ आई विल बी बैक विद अनदर कवर और गिटार लेसन एंड ओरिजिनल्स भी बहुत सुनाएंगे। सो लिंक है डिस्क्रिप्शन में सबकी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो, थोड़ा शेयर करो बाकियों के साथ, एंड अगली वीडियो पे मिलते हैं।